हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं सरोजिनी नगर मंडे मार्केट। सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली का सबसे अफोर्डेबल मार्केट है, जहां पर सभी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस रेंज पर मिलती हैं। लेकिन यहां के मंडे मार्केट के बारे में फेमस है कि मंडे को यहां पर बाकी डेज के कंपैरिजन में चीज़ें और भी कम प्राइस रेंज पर होती हैं। तो आज मैं यहाँ पर सिर्फ यही चेक करने आई हूँ कि ये एक मिथ है या फिर वाकई यहाँ पर मंडे में चीज़ें बाकी डेज के कंपैरिजन में कम प्राइस रेंज पर होती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करो। तो मंडे में आपको यहाँ पर इस तरह की टी शर्ट 50 रुपीज़ में मिल जाएंगी, जिनकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाकी डेज में भी इस तरह की कैपरीज और जैगिंग्स 150 रुपीज़ में ही मिलती हैं, तो यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं है। जो भी चीज़ें प्रॉपर स्टॉल्स पर बिक रही हैं उनकी प्राइस रेंज वही है जो कि नॉर्मल डेज में होती है, और जो चीज़ें नीचे रखकर मिल रही हैं उनकी प्राइस रेंज काफ़ी कम है, लेकिन उनकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। तो फ़िलहाल तो मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं नज़र आया है जिसका प्राइस बाकी डेज के कंपैरिजन में मंडे में कम हो। लेट्स सी कि आगे हमें शायद कुछ ऐसा मिल जाए। इस तरह के ज्वेलरी पीसेस जो कि प्रॉपरली अपने स्टॉल्स पर ही मिल रहे हैं उनकी प्राइस रेंज पर वही है जो कि बाकी डेज में होती है। इयर रिंग्स जनरली 150 से स्टार्ट होकर 200 तक हैं, नेक पीसेस 150 से स्टार्ट होकर 350 तक हैं। इस तरह के इयर रिंग्स और नेक पीसेस जनरली ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन सरोजी नगर में आपको एक से एक नेक पीसेस और इयर रिंग्स के डिज़ाइंस मिल जाएंगे, वो भी 150 to 350 रुपीज़ की रेंज में। आप देख सकते हैं कितने सारे डिज़ाइंस और वेराइटी है यहाँ पर। इनके प्राइसेस वही हैं जो कि बाकी डेज में होते हैं। मंडे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस पर कोई डिस्काउंट है या इनके प्राइसेस कम हैं। ज्वेलरी को स्टोर करने के लिए बहुत ही प्यारे से ज्वेलरी बॉक्सेस मिल जाएंगे आपको। सबसे बड़ा बॉक्स 250 रुपीज़ में और सबसे छोटा 50 रुपीज़। बाकी डेज में भी इनके प्राइसेस यही होते हैं। इस तरह के नेक पीसेस भी आपको मिल जाएंगे 150 रुपीज़ में। बच्चों की हेयर एसेसरीज भी सेम प्राइस पर ही हैं जैसे कि बाकी डेज में होती हैं। बिल्कुल भी कोई मुझे इसमें प्राइस रेंज में कोई भी फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आया। हाँ, आपको यहाँ वैरायटीज़ बहुत सारी मिल जाएंगी। इस तरह के स्ट्राइप्स में क्यूलोड्स आजकल काफ़ी फैशन में हैं। मंडे में यहाँ पर ये 200 रुपीज़ में मिल रहे हैं और बाकी डेज में भी 200 रुपीज़ में ही मिलते हैं, तो यहाँ भी प्राइस में कोई चेंज नहीं है। इस तरह की कुर्तीज़ आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएंगी मंडे में, बाकी डेज में भी ये इसी प्राइस रेंज पर मिलती हैं, तो यहाँ पे भी प्राइस रेंज में मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। इस तरह के छोटे साइज़ के स्लिंग्स बैग 350 रुपीज़ में मिलेंगे, बाकी डेज में भी यही इनका प्राइस होता है। और इससे थोड़े बड़े साइज़ के स्लिंग्स बैग्स को 400 रुपीज़ में मिलेंगे और बाकी डेज भी इनका प्राइस यही रहता है, तो यहाँ पर भी प्राइस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे। कई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ड्यूब्स मिल जाएंगे यहाँ पर जो कि क्वालिटी वाइज ठीक ठाक होते हैं। 200 रुपीज़ की रेंज में आपको यहाँ पर इस तरह के फुटवेयर्स मिल जाएंगे और बाकी डेज में भी इस तरह के फुटवेयर्स के काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं। होम डिकोर के ढेर सारे आइटम्स यहाँ पर मिल जाएंगे और हर एक आइटम की कॉस्ट एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट के और ही प्राइस रेंज है और बाकी डेज में भी इनकी प्राइस रेंज यही होती है। यहाँ पर भी कोई डिफरेंस मुझे नहीं नज़र आया है इनकी प्राइस रेंज में, लेकिन बाकी मार्केट के कंपैरिजन में आपको सरोजिनी नगर मार्केट में होम डेकोर के आइटम्स काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी वैरायटी भी मिल जाएगी। इस तरह की क्लोथ्स पर आप बाकी डेज की तरह बार्गेन कर सकते हैं, तो ये आपके बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि कितने कम प्राइस रेंज में आप ये परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ भी मंडे का कोई बेनिफिट नहीं है और 150 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ की रेंज में आपको होम डेकोर के यहाँ पर बहुत ही क्यूट क्यूट से आइटम्स मिल जाएंगे। बहुत सारे किचन्स के आइटम्स मिल जाएंगे जिनकी कॉस्ट 150 रुपीज़ है और ये चीज़ें आप किसी भी दिन यहाँ से परचेज करेंगे इसी प्राइस रेंज में मिलेंगी। इस तरह के हैंडबैग्स यहाँ पर बाकी डेज में 600 to 700 रुपीज़ की रेंज में मिलते हैं, लेकिन आज यानी मंडे में ये सिर्फ 400 रुपीज़ में मिल रहे हैं और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं इसमें। और मंडे में आपको यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। मंडे मार्केट में मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, इस तरह के डिज़ाइनर क्लोथ्स हैंगिंग आपको मिल जाएंगे। बाकी डेज में भी इसकी प्राइस रेंज सेम होती है, छोटे जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है और बड़े की अकॉर्डिंग टू साइज 250 से 350 तक। और भी बहुत सारे होम डेकोर्स के आइटम्स हैं जिनकी प्राइस रेंज अलग अलग हैं जो कि बाकी डेज में भी इसी तरह होती हैं। इस तरह के नेक पीसेस आपको मंडे में यहाँ पर सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे जो बाकी डेज में नहीं होते हैं। तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स नीचे रखकर सेल आउट किए जा रहे हैं उनकी प्राइस रेंज काफ़ी कम है कंपैरेटिवली
उन चीज़ों से जो कि अपने प्रॉपर स्टॉल्स पर हैं, लेकिन इनको परचेज करने से पहले आप इनकी क्वालिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आइटम्स स्पेशली क्लोथिंग आइटम्स नीचे रखकर बिक रहे हैं, उनकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 200 रुपीज़ में आपको इस तरह से स्कर्ट्स मिल जाएंगे जो बाकी डेज़ में भी सेम ही प्राइस रेंज पर होते हैं। मंडे में यहाँ पर बाकी डेज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आप मंडे के कंपैरिजन में किसी और डेज़ में आएंगे तो आपको आई थिंक ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। इस तरह के टॉप्स आपको 180 रुपीज़ में मिल जाएंगे मंडे में, जो बाकी डेज़ में कॉस्टली होते हैं। मैंने पहले परचेज़ किए हैं यहाँ से इस तरह के टॉप, जो 250 to 350 की रेंज में मिलते हैं, लेकिन आज इनका प्राइस 180 रुपीज़ है। तो ये एक चीज़ मंडे की अच्छी है, प्राइस रेंज कम है मंडे में इन टॉप्स पर। 100 रुपीज़ में आपको इस तरह के ट्राउज़र्स मिल जाएंगे, जो बाकी डेज भी इसी प्राइस रेंज पर होते हैं, और पता नहीं क्यों इनकी क्वालिटी बहुत वियर्ड सी लगती है, जैसे कि ये यूज़ किए हुए हों, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी डेज में आपको इस तरह के शर्ट्स 250 to 350 रुपीज़ में मिलते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये शर्ट्स 150 रुपीज़ में मिल रहे हैं। इस तरह के टॉप्स की बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, कि अलग अलग प्राइस रेंज पर है, जैसे कि ये तरह के टॉप्स 300 रुपीज़ में हैं। इस तरह के फ्रिल वाले टॉप आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, लुक वाइज ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, पर भी आप थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हो। 250 रुपीज़ में आपको इस तरह के शॉर्ट्स मिल जाएंगे, जो कि बाकी डेज में भी सेम प्राइस पर ही होते हैं। 90 रुपीज़ में आपको बच्चों के डेली वेयर्स के क्लोथ्स मिल जाएंगे, एक पीस की कॉस्ट 90 रुपीज़ है, चाहे आप ट्राउज़र लें या फिर टॉप लें। इसमें आपको कई सारे ब्रांड्स के क्लोथ्स मिल जाते हैं, और ये बाकी डेज में भी इसी प्राइस रेंज पर होते हैं। इस तरह से टॉप और ट्राउज़र का जो प्रॉपर सेट हैं, उनकी कॉस्ट 350 रुपीज़ है। क्वालिटी वाइज भी ये क्लोथ्स अच्छे हैं, तो बच्चों के क्लोथ्स की आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी, काफ़ी सारे साइजेस मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मंडे में आपको 250 रुपीज़ में इस तरह की लेडीज़ कुर्ती मिल जाएंगी, जो कि बाकी डेज में 350 रुपीज़ में होती हैं। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स, पैटर्न्स और डिज़ाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। बच्चों के कपड़ों की काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर, स्पेशली डेली यूज़ के लिए। मंडे में आपको 100 रुपीज़ के इस तरह के कई सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जो कि बाकी डेज़ में 150 रुपीज़ में होते हैं, बट मंडे में आपको ये 100 रुपीज़ की सेल में मिलेंगे। कॉस्मेटिक्स में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, सारे हाई एंड ब्रांड्स के ड्यूप्स मिल जाएंगे यहाँ पर, जो क्वालिटी वाइज ठीक ठाक होते हैं। फेमस यांकीना आईलाइनर आपको यहाँ पर सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, जनरली ऑनलाइन ये 150 रुपीज़ में मिलता है। हुडा ब्यूटी की आई शैडो पैलेट यहाँ पर 200 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको। इस तरह की इयररिंग्स आपको 200 रुपीज़ में मिल जाएंगे, और 50 to 60 रुपीज़ में आपको नेक पीसेस मिल जाएंगे इस तरह के। ये चीज़ें बाकी डेज भी सेम प्राइस रेंज पर ही होती हैं, इनके प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सरोजिनी नगर मंडे मार्केट में मुझे कुछ चीज़ें ही कम प्राइस रेंज पर दिखी बाकी डेज के कंपैरिजन में, बाकी सारे प्रोडक्ट्स सेम प्राइस पर ही हैं। तो इसको मिथ तो नहीं कह सकते कि सरोजिनी नगर में मंडे में चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं, लेकिन उतनी सस्ती भी नहीं होती हैं जितना कि हम लोग इमेजिन करते हैं। तो ओवरऑल मुझे सरोजिनी नगर मंडे मार्केट ठीक ठाक लगा, क्योंकि सरोजिनी नगर नॉर्मल मार्केट मंडे मार्केट से काफ़ी बेटर होता है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है। मंडे भी यहाँ पर काफ़ी कम रश था, काफ़ी कम स्टॉल्स थे, तो अगर आप कम भीड़ भाड़ में शॉपिंग करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप मंडे में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा वैरायटी चेक करना चाहते हैं तो आप मंडे मार्केट में बिल्कुल भी मत आइएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय बाय।